ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। जब ये केस डायरी कल प्रोड्यूस हो गया कोर्ट में, हमने इसको पेरूस कर लिया, देख लिया, तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं ये? यस मिस्टर खान, हैज ही कंसल्टेड यू बिफोर डूइंग इट? I only see the mother that mother he asked me don't know. He will be prosecuted for interpolating the records. Sorry sir. You will be prosecuted, I assure you. Sorry sir, sorry sir. How can you do it? क्या हो गया है आप लोगों को? यू डू नॉट अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स। सॉरी सर. कल हमने इसको देखा, आपको हमने बताया सारी बातें, एंड टुडे इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर स्टैंड यू हैव चेंज द पैराग्राफ नंबर। किया ये तो कल नहीं था, ये किसने ये वन लगाया है पैराग्राफ के पहले? कल आपने लगाया? किसने नहीं नहीं लगाया? मैंने नहीं लगाया है सर. किसने लगाया ये? सर 20 करके नो, एसएचओ से मिलवाया है सर. इसको दिस 53 हैज बीन मेड 153 नाउ। सर वन मिस कर गया था सर, वो फेंट हाउ कैन, कर हाउ कैन यू डू इट? गया. हाउ कैन यू डू इट? वो मिस कर गया था या आपने जो है ये सब पेजेस बीच में लगा दिया? प्रॉब्ली जेरॉक्स है सर. मुझे लगा दीज सर आर जेरॉक्स कॉपीज। सर ये डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड में नहीं था सर, फट गया था पूरा पेज सर उतना, तो उसके उसका जेरॉक्स लगाया है. इट्स अ सीरियस मैटर मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कल जो ये नहीं था 153 लिखा हुआ, आपने वन सब में ऐड कर दिया। हाउ कैन दिस अमाउंट्स टू इंटरपोलेटिंग द रिकॉर्ड्स? नहीं सर, एसएचओ ने सर फेंट कर गया था. हाउ एसएचओ कैन डू इट? हु हैज रिटन दिस केस डायरी? यू आर ए पुलिस ऑफिसर, यू आर ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डोंट यू अंडरस्टैंड? डोंट यू अंडरस्टैंड? अगर हम आज कोई ऑर्डर लिखेंगे तो कल क्या कोई और उसको करेक्ट कर देगा? लगा ये गलती हो गई थी। इतना कैटेगरिकली इसने 53, 54, 55 लिखा है और तो मुझे इसमें इंक्वायरी करना होगा, इसका रिकॉर्ड मंगाना होगा। इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड वहां लोअर कोर्ट में रहता है, उसको मंगा हाँ, लीजिए. ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। जब ये केस डायरी कल प्रोड्यूस हो गया कोर्ट में, हमने इसको पेरूस कर लिया, देख लिया, तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं ये? यस मिस्टर खान, माय लॉर्ड. हैज ही कंसल्टेड यू बिफोर डूइंग इट? आई ओनली सी द मदर दैट मदर ही आस्क्ड मी डोंट नो. ही विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर इंटरपोलेटिंग द रिकॉर्ड्स। सॉरी सर. यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, आई अश्योर यू। सॉरी सर, सॉरी सर. हाउ कैन यू डू इट? क्या हो गया है आप लोगों को? यू डू नॉट अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स। सॉरी सर. कल हमने इसको देखा, आपको हमने बताया सारी बातें, सर. एंड टुडे इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर स्टैंड यू हैव चेंज द पैराग्राफ नंबर। दिस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। ये आपने कार्बन कॉपी में कर दिया, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में तो है नहीं। तो नहीं होगा, वो तो वहां कोर्ट में जमा है. तो ओरिजिनल रिकॉर्ड कुछ और दिख रहा है कोर्ट में और यहां आपने कार्बन कॉपी में ये डाल दिया। अब यहीं पर जब आपसे सवाल करेंगे ना तो फिर आपको बुरा लगने लगता है सॉरी कि साहब कोर्ट में जो है सॉरी सर, इस तरह से बोला गया। आपको कोई ट्रेनिंग भी होती है या वैसे ही बस? मिस्टेक हो गया सर. हर चीज में सॉरी मिस्टेक सर, ही बोलते हैं ना आप। सॉरी सर, गलती हो गई है सर. हर चीज में मिस्टेक होता है। फोटो कॉपी कैसे आएगी उसमें? एक ऑर्नामेंटल वर्ड आपने सीख लिया, सॉरी सर। सॉरी इज नॉट पैनेसिया फॉर ऑल इल्स। सॉरी सर, कभी नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं होगी सर दोबारा. इसका रिकॉर्ड्स मंगवाइए मंगा ले पूरे केस का जी. लिखिए, ये तो गलत कर दिया आपने।
I had handed over you this copy not for changing the paragraphs. By mistake. तो कॉल कर लिया रिकॉर्ड कॉल कर लिया ट्रायल नंबर है सर ट्रायल नंबर बताइए ट्रायल नंबर होना चाहिए चेंज करने का भी होता है कोई अगर गलती होती है तो उसका तरीका होता है उससे भी गलती होती है पूछ के करना था सर गलती होती है तो ऐसा नहीं कि कोर्ट में कुछ बोले और पीठ पीछे कुछ ऑर्डर में लिख दिया उसके लिए हम कोर्ट में केस को लाते हैं फिर से लॉयर्स के सामने डिस्कस करते हैं कि साहब ये गलती हुई है इसको सुधार करने की जरूरत है सर ये गलती हो गई है सर सॉरी सर आपने तो रिकॉर्ड्स को जुडिशियल रिकॉर्ड्स कुछ और है और आपने यहाँ पर कुछ और प्रोड्यूस कर दिया कॉल कर लिया जाए उसका ट्रायल नंबर नहीं है नहीं दिख रहा उसमें भी नहीं दिख रहा पीएस केस से कॉल कर लिया जाए वहाँ रिकॉर्ड उसमें मिल जाएगा सीजीएम के यहाँ पेंडिंग है फाइनल फॉर्म एक्सेप्ट हो गया इसमें हजूर कब एक्सेप्ट हुआ है वो मुझे भी नहीं मालूम तो और चीज़ें मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा हजूर विथ योर परमिशन यस ये इनका जो सेकेंड काउंटर एफिडेविट सप्ले या सप्लीमेंट्री ब्रीफ मान के चले वो 25 पेज नंबर 25 का देखा जाए उसमें लास्ट पैराग्राफ में है पेज नंबर 25 पे लास्ट पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ उल्लेखनीय है केस कांड के अभियुक्त अजीत कुमार सिंह और पुप्पू सिंह एवं अशोक सिंह द्वारा दिनांक 18/11/22 को बसंतपुर लकड़ी नवीबगंज ओपी थाना कांड 61/2020 में माननीय न्यायालय सिवान में आत्मसमर्पण किए हैं तत्पश्चात उन दोनों अभियुक्तों को बसंतपुर नकड़ीपंच ओपी थाना कांड संख्या 336/20 पे 9/8/2020 में रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में सिवान में अनुरोध पत्र दाखिल किया गया लेकिन इन्होंने 61/20 जो हमारा केस है उसमें रिमांड नहीं मांगा 61/20 में सर सरेंडर ही किया है सर वो ठीक है 61/20 में उसने सरेंडर किया सर आप ये बताइए आपके कंडक्ट को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेम्ड अक्यूज था वो सर बमबारी किया था या गोली चलाया था गोली चलाया था उसने इनके हाउस पर इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि साहब सो एंड सो हैड बीन देयर वो लोग ऐसा कर रहे थे आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाए जब ये कोर्ट आए और कोर्ट ने यहां से आपको कॉल अपॉन किया तो एक दो डेट देखने के बाद जब दबिश बढ़ी कोर्ट के द्वारा तो अब इनका तो कहना है कि आपके कोलैबोरेशन से उन्होंने सरेंडर किया लेकिन अगर सरेंडर अपनी मर्जी से भी उन्होंने किया तो आपका नेचुरल कंडक्ट क्या होता था साहब नेचुरल कंडक्ट क्या होना चाहिए था आपका जब वो सरेंडर किए तो आप उनको पूछताछ नहीं करेंगे सर करेंगे ना तो आपने क्यों नहीं उनको लिया रिमांड पर क्यों नहीं आपने एक दिन के लिए भी कस्टडी मांगा उनका ये आपका नेचुरल कंडक्ट नहीं है एंड दैट गोज टू स्ट्रेंथन हिज सबमिशन कि आप एक्यूज्ड को कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ और आप उसके मेल जोल में हैं आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड कोर्ट कैन सी दैट रिमांड पर ले लेते हैं सर अब सब तो आपको क्या हम यहाँ आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है क्या करना चाहिए हम देखिए था इसीलिए आप इनकॉम्पिटेंट है ना फिर सर इट मीन्स यू आर टोटली इनकॉम्पिटेंट टू हैंडल द केस और टू कंट्रोल योर सबऑर्डिनेट्स To train your subordinates, हर मामले में आप इसका मतलब incompetent हो गए। Sir, named accused था इसलिए रिमांड पर नहीं लिया। क्यों? Named accused को रिमांड पर नहीं लेते हैं? क्या क्या बोलिएगा आप? क्या क्या बोलिएगा एसपी साहब? अरे कुछ तो अपनी वर्दी का लाज रखिए। प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट हैं? नहीं सर प्रमोट होकर बने तो ऐसे ही करते करते एसपी तक आप पहुंच गए ऐसे ही करते करते आप इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते आप एसपी रैंक तक पहुंच गए आपने वो पद हासिल कर लिया जिससे जिले का कप्तान कहला गया और आप आपकी हालत यह है कि हर बात पर आप सॉरी कहते हैं हर बात पर कहते हैं कर लेते हैं नेम्ड अक्यूज्ड है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं किस गाड़ी से था जिन्होंने कल क्या बोला कि आज तक आपने व्हीकल नहीं सीज किया
आज तक आपने वो आर्म्स नहीं सीज किया। मैन आई हैव टू रिकॉर्ड वेरी स्ट्रिक्टली समथिंग विच यू मे नॉट लाइक। हजूर एक और इनका मैं दिखाता हूँ, पेज 14 पे पैराग्राफ डी में जो इन्होंने दिया है जिसमें फाइनल फॉर्म सबमिट किया है ये बाढ़ राशि का डिफाल्केशन। हाँ वो मुझे याद है, जो सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताते हैं, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बता करके क्लोज कर उसका जरा सा हम उसमें ब्रीफ कर। इसमें जितने आईओज हैं जो कंसर्न एसएचओ हैं डीएसपी हैं अप टू एसपी सबका कंडक्ट क्वेश्चनेबल है ऑब्जेक्शनेबल है और इसका सबका जो है ये एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इनके कंडक्ट का भी होना चाहिए वो ईओयू से क्योंकि। और एक और इन्होंने किया है कि एक और केस था जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे, सुन लेते हैं आप, एक जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे जल्दीबाजी में आपने देखा है कभी हमको नहीं देखा है ना तो वेट कीजिए ना। यस जब इन्होंने अपना काउंटर फाइल किया है हुजूर तो इन्होंने 5 केसेस को दिया और एक और इम्पोर्टेंट केस था जो इन्होंने डिलिबरेटली उसमें उसको सप्रेस कर दिया कि काउंटर में इन्होंने नहीं फाइल किया वो भी मैंने कल हाईलाइट किया था। yes. ये एफआईआर नंबर है 16422 डेटेड 20/4/22 पीएस बसंतपुर। जब ये लोग एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड कर रहे थे तो द कंसर्न कंप्लेनेंट वेंट टू द सिविल कोर्ट ऑब्टेन एन ऑर्डर अंडर 156(3) इन कंप्लेंट केस नंबर 11962021 एंड देन आउट ऑफ दैट दिस एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। तो जब इनको काउंटर फाइल कर रहे थे उस दिन तक इनके पास ये सारे रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने इसको क्यों नहीं लिखा ये भी इनको बताना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने क्यों नहीं लिखा। ही वाज सपोज्ड टू इट विल सो दैट ही इज डेलिबरेटली सप्रेसिंग द फैक्ट्स बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर इन द बिहार। दिस इज अ क्लियर पॉलिटिकल पुलिस एंड क्रिमिनल नेक्सस। बात हरवा मिश्रा का ही बोलते हैं। हाउ डू यू से इट इज पॉलिटिकल? पॉलिटिकल है हुजूर ये, क्योंकि इसमें एक मिनट इनको बोलने दीजिए ना, आप पुट में इसमें वहां के लोकल विधायक से लेकर सबका इन्वॉल्वमेंट और ये खुद भी मुखिया रह चुके हैं, इनका भी ये मुखिया है तो जन रिप्रेजेंटेटिव तो ऐसे खुद भी हो गए तो पॉलिटिकल तो ये खुद भी हो गए, इनकी मदर ही मुखिया रह चुकी हैं, इन लोगों का पूरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। इनका एक्यूज्ड का जो सरेंडर किए हैं उनका जी यस बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन माय लॉर्ड, ही इज रेज्ड माय लॉर्ड के एफआईआर फाइल बाय द सीओ माय लॉर्ड, ही डिड नॉट माय लॉर्ड वन this fact my lord submitted the charge sheet. There are 20-25 persons my lord had taken the my lord excess money 4000 somebody 6000 somebody 5000. When the FIR was lodged my lord all the person returned the money my lord. Police examined there are 13-14 persons my lord had taken the my lord who are not affected by the flood but he got the my lord same thing my lord. Then my lord the, all the persons have returned the money my lord. After that my lord they have filed the submitted charge sheet my lord. It was a case of mistake of fact then. My lord, that is the my lord. How it was a case of mistake of fact? There are 20. Those who were, Mr. Khan. My lord. I will record your statement. Otherwise also it is getting recorded in the court proceeding. You said that those 16-17 persons who were not affected, they had received the money. My lord. But then they returned it. My lord, returned. Therefore, this case was based on a mistake of fact. Meaning thereby that today somebody takes an attempt to get public money unlawfully, the moment a case is lost and he can sense that a case is going to be lost, he returns the money. Then it is not a case. If this is your understanding of law, then in all cases of misappropriation where public officers are swindling and siphoning the public money, they will immediately come with an argument that all right, I have returned the money. They are not public officers taken my lord, private persons have taken my lord that money. So all of them have how they may be differentiated? If any person has duped the government, has taken benefit of the government money,
एंड विच इज हैपनिंग एवरी डे, विच इज हैपनिंग एवरी डे अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स. यू गो एंड फाइंड आउट दैट हाउ ऑल दीज राहत्स, ऑल दीज मनी आर गोइंग इन द अकाउंट ऑफ द पीपल हु आर नॉट रियली इंटाइटल्ड फॉर दैट. देर इज नो चेक ऑन दैट. मुश्किल से अगर 100 ऐसा होगा तो एक दो मुकदमा होता है. आपके पास है क्या लिस्ट की कितने लोग थे जिसने कितनी बार पैसा निकाला शौचालय बनाने के नाम पर? मालूम है आपको? नहीं मालूम है ना? गो एंड टॉक टू द पीपल. जो एक व्यक्ति ने चार बार पैसा निकाला होगा इसलिए कि बिकॉज करप्ट ऑफिसर्स आर देयर, दे टेक देयर कट्स और वो कमीशन लेकर के और पैसा बांटते हैं. मालूम है आपको? नहीं मालूम है क्या? आप इस समाज में नहीं रहते हैं? तो आपके ऑफिसर ने जब एक केस हुआ, सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया, तो आपने उसको क्लोज कर दिया बोल करके कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. हाउ इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट? यस मिस्टर एसपी. सर, सर्किल ऑफिसर ने रिपोर्ट दिया था कि सबने जमा कर दिया, उसी आधार पे मेरे पहले का अनुसंधान है सर. तो सर्किल ऑफिसर ने आपको रिपोर्ट दिया, ठीक है कि जमा किया, तो आपके ऑफिसर क्या कहेंगे उसको कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का केस है ये? इट्स अ केस ऑफ एम्बेजलमेंट, मे बी अ केस ऑफ टेम्पररी एम्बेजलमेंट, बट इट इज अ केस ऑफ टेम्पररी एम्बेजलमेंट एटलीस्ट. इसीलिए तो लोग इतना मैं फुल करके कर रहे हैं सब गलत सलत. उनको मालूम है कि क्या होगा, जिस दिन फंसना होगा उस दिन पुलिस वाले हैं ना, कुछ मिला जुला करके काम चल जाएगा. आई मीन आई एम कॉन्स्टेंट टू से ऑल दिस थिंग्स. जिस तरह का केसेज आ रहा है उसमें सिवाय इसके और कुछ समझ में नहीं आती है बात कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. सारे केसेस रीओपन करने होंगे आपको, सारे केसेस रीओपन करने होंगे. ये पब्लिक मनी है, इसका अगर घोटाला हो रहा है इसमें हो सकता है ये सर्किल ऑफिसर ने जो केस फाइल किया उसके पहले वाले जो सर्किल ऑफिसर होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे उसमें. ऐसा हो सकता है और कहीं ना कहीं से ये पैसा जमा करा करके और ये कोशिश किया गया कि साहब चलिए इस केस को क्लोज करा दीजिए. आज हम ऑर्डर लिखा रहे हैं, अभी इसको हम फिर इस मैटर को रखेंगे इन द नेक्स्ट वीक. आप जरा सारे केसेस का जितने चीजें डिस्कस हुई सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए, सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए, सो दैट आई कैन टेक ए कंप्लीट व्यू ऑफ द मैटर. समझ रहे हैं ना सर? जितने केसेस हैं सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए. लिखिए Mr. Khan, I'll keep it in the next week. My lord. But I'll briefly record what has transpired in course of hearing. 2 weeks at least, my lord, may be granted. SP, my lord. Into Anas, would be, my lord, maybe. Next week only. Next week only. My lord. And, dekhiye. My lord. जितना डिस्कशन हो गया उसके बाद बहुत ज्यादा इनको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है. इनको सिर्फ रिकॉर्ड्स माय लॉर्ड लेकर के और देखना है और कोर्ट को माय लॉर्ड असिस्ट करना है. माय लॉर्ड.